सामने खड़े हैं पुलिस वाले और हमको जाना है होंडा शोरूम अभिषेक की गाड़ी का रेस वायर लेने जाना, एक्सेलेटर वायर लेने जाना अभिषेक की गाड़ी का, और सामने खड़े हैं मामूलो। सो सुप्रभात गाइस, और मैं अभी मैं खड़ा हूँ मार्केट में, मैं आया था बहन को छोड़ने के लिए। और अभी गाड़ी में एक दिक्कत हो गई है कि जो गाड़ी का जो क्लच है ना, अभी गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ है कि जो गाड़ी का जो क्लच वायर ना वो ख़राब हो चुका है, तो गाड़ी का जो ये अंदर का जो वायर है ना, मैंने एक उसका अंदर का चेंज करा दिया एक बार तो, लेकिन वो मतलब काम का नहीं है। मतलब ऐसा अगर मान लो ये पूरा कंप्लीट वायर आता है इसका, तो इसके अंदर एक वायर डलता है, मैंने वो चेंज करा दिया लेकिन वो काम नहीं कर रहा है इसमें। मतलब यानी वायर टूट जा रहा है, और मतलब क्लच सिर्फ इतना ही छूट रहा है। देखो आप देख सकते हो कितना ढीला हो गया, पूरा ढीला हो गया है। सो इतना ही क्लच छूटता, सिर्फ इतना क्लच छूटता। सोचो इतने से क्लच में गाड़ी मतलब आगे बढ़ जा रही है, इतना छूट रहा है। सो गाइस देखते हैं, अभी इटारसी जाता हूँ मैं, और इटारसी से इसका क्लच वायर लेकर आऊँ कंप्लीट वाला। मैंने क्या करा था, इसके अंदर का जो वायर है ना, मैंने वो डला दिया था, जबकि इसका कंप्लीट डलाएंगे ना पूरा अपन, जैसे ये पूरा कंप्लीट वायर डलेगा। मैंने इसके अंदर वायर डला लिया है, तो ये नहीं करना। अगर आप ऐसा करो तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दिक्कत जाती है। और मान लो कभी आप जैसे मान लो कहीं आप फंस गए, और मान लो और कभी कभी क्या होता है कि ये ना क्लच वायर टूट जाता है, ये देख रहा है ना, एक मिनट, मैंने चेंज करा था ये वाला वायर, देख रहा है ना आपको, ये मैंने चेंज करा है, और ये कई बार टूट भी जाता है, ज़्यादा प्रेशर बनता है तो गाड़ी का ये टूट जाता है। तो ये वायर इतने ज़्यादा मजबूत होते नहीं है, तो कंप्लीट डलाएं आप भी, अगर आप भी डलाओ तो कंप्लीट डलाना, ये पूरा कंप्लीट डलवाइएगा, अगर आप डलवाओ तो ये पूरा कंप्लीट डलेगा। ये देखो गाइस, ये देखो इतने पे छूट जा रहा क्लच, ये नॉर्मल हुई, इतने पे क्लच छूट रहा है, सिर्फ इतने पे क्लच छूट रहा है। देखो इतने पे क्लच छूट रहा है, ये क्लच छूटता है क्या? सो गाइस गुलाब जामुन खा लो। गुलाब जामुन खा ली, अब हम खाएंगे मिठाई, ये वाली। मस्त अभी आया गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ चौराहे पर, मेरे को आयुष्मान कार्ड का पता करना है, और अभी हमारी माता जी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, क्या दिवाली की साफ सफाई करी थी, तो मतलब मैंने बहुत उठा पटक में उनके क्या पैर, मतलब ऑलरेडी पहले से दर्द करते हैं बहुत ज़्यादा घुटने और पैर, तो अभी इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं कि दुकान भी नहीं जा पाएंगे। उससे ये पैर दबा रही, गुड़िया कमर दबा रही हैं, गुड़िया पुण्य का काम कर रही हो, ऐसे दबाते रहो। चल ज्ञान मत दे, चल ज्ञान मत दे, तेरी आँख नहीं करूँ। सो गाइस ये खड़ी है हमारी गाड़ी, धूप में खड़ी यार, उसको अंदर कर दूँ यार थोड़ी, और गुलाब जामुन खाए तो थोड़ा पहुँच लूँ जरा, गुलाब जामुन मिठाई क्या क्या तो कहा, सब कुछ खा लिया मैंने, चाबी का रखी, मम्मी आ रहा मैं, आओ आओ है ना। सो गाइस हमारी थोड़ी बोली खड़ी भाषा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो अब, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, और क्योंकि हम लोग थोड़ी सी खड़ी भाषा बोलते हैं, कोई ना भाई, हिंदी सबसे बड़ी भाषा है। पता है मैं अभी भोपाल गया था, मैं बहुत बार भोपाल गया था, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं भोपाल गया था मेरा जॉब का, यहीं बैठ के बात करते हैं। सो गाइस मैं गया था भोपाल, हाँ सो गाइस मैंने मतलब मेरा नौकरी का फर्स्ट डे था, जो वो बहुत अच्छा गया था, और मैं 3 दिन तक भोपाल कंटिन्यू अप डाउन भी किया मैंने वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मुझे काम क्या दिया था, फील्ड का काम दिया था, मतलब मुझे मार्केट जाना है, यहाँ पर आवाज़ गूंज रही होगी तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मुझे मार्केट जाना है, वहाँ पर 4 बंदे ढूंढने हैं जिनको लोन चाहिए। अब लोन किसको देना है, जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी हो, मतलब यानी दुकान खुद की हो, रेंटल नहीं हो। अब भाई खुद की दुकान है भोपाल जैसे शहर में, अगर खुद की दुकान है तो भाई वो 1,00,000 रुपये का लोन नहीं लेगा, करीबन उसको चाहिए है, मतलब होते हैं ऐसे लोग जो ले लेते हैं 1,00,000 रुपये तक का लोन, लेकिन ज़्यादातर जिनकी खुद की दुकान है भाई, वो बड़े व्यवसायी होते हैं, उनको 1,00,000 रुपये का तक का लोन नहीं चाहिए रहता, उनको करीबन चाहिए रहता 10 से 5 लाख 10 लाख। अब यहाँ पर क्या था, 50,000 से 1,00,000 तक का लोन, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं था वहाँ पर। मैंने कम से कम करीबन मेरा 50 कस्टमर्स
50 एक दुकान वालों से मिला था मैं जिनको 1 लाख रुपए का बिल्कुल नहीं चाहिए था। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी रेंटल दुकान जो थे जिनकी मतलब दुकान किराए की थी तो उनको देना नहीं था, हमारे पॉलिसी के खिलाफ था, मतलब जो जिसके दुकान किराए पर उसको लोन नहीं देना। और सिर्फ 3 लोगों को लोन देना था, मेडिकल था, किराना था और एक कौन सा था, एक मेडिकल, किराना और डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट वाला, इन लोगों को देना था। भाई सावा टाइट हुए 3 दिन में, 3 दिन तो मैंने बढ़िया किया लेकिन मैं मेरा माइंड अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था इसलिए मैंने जॉब क्विट कर दी। 3 दिन में ही मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि पूरा माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया था मेरा, पूरा माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि भाई यहाँ से सुबह जाना, सुबह 7:25 की मेरी ट्रेन पकड़ना झेलम, 7:25 में यहाँ से बैठना, फिर वहाँ पर पहुँचना, मतलब 7:25 की ट्रेन तो पहुँचाती थी मेरे को, 7:25 की ट्रेन है तो कभी कभी वो लेट भी हो जाती थी, तो 7:25 से 7:40 हो जाता है तो 8:30-9 बजे तक तो वहाँ पहुँचता था मैं। फिर 9:30 से पहुँचने के बाद रेलवे स्टेशन से मुझे वहाँ जाना पड़ता था CI कैपिटल Hyundai, फिर वहाँ पे गए, फिर वहाँ से फील्ड का काम देते तो मुझे फील्ड पे जाना पड़ता था। तो तुम समझ सकते हो कि ट्रैवल में दिमाग, मतलब कोई भी अगर अप डाउन अगर आप जॉब करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अप डाउन करते हैं और वो भी कर भी रहे हैं अभी भी, मतलब वो ऐसे करते हैं जैसे अगर मान लो उनका अप डाउन है तो मतलब उनका ऑफिस में जाके वर्क है। जैसे मुझे मान लो मुझे भोपाल जाना है लेकिन मेरे भोपाल में काम नहीं, मुझे भोपाल के अंदर जाना, मार्केट के अंदर घूमना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट माइंड तो हो जाता है, तो इसलिए मैंने भाई जॉब क्विट कर दी है। ये हमारे कल वाले दोस्त सेम वही शर्ट पे, राहुल भाई ने वही शर्ट पहनी है और अभिषेक भाई तो ये साला थोड़ा तैयार अय्यार रहता है लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोसेसर थोड़ा सा लो है नहीं, मैंने भी टी शर्ट वही पहनी। अरे मारो भाई ने देखो हॉर्न क्रेटा का डल रखे, भाई ने क्रेटा के हॉर्न।